हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने स्पीशीज कंसेप्ट किया था। व्हाट वी हैव डन इन डिटेल यस्टरडे वाज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक हायरार्की एंड द स्पीशीज कंसेप्ट। नाउ आज हमने एक ट्रिक याद की थी कल को, वो थी कीप पॉट क्लीन और Family gets sick. इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा था कि जब हम डिसेंडिंग से नीचे की तरफ जाते हैं तो कुछ क्राइटेरियाज देखने को मिलते हैं। दैट इज विद टाइम जो है, विद ईच कैटेगरी, जब हम किंगडम से फाइलम की तरफ जाते हैं, फिर क्लास की तरफ, फिर ऑर्डर की तरफ, फिर फैमिली की तरफ जब हम जाते हैं, तो हर एक टैक्सॉन जो है उसमें डाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है एंड नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज हो रहे हैं। कल हमने स्पीशीज का कंसेप्ट अच्छे से किया था एंड स्पीशीज के कंसेप्ट में हमने कुछ एक्सेप्शंस को भी किया था। Now, to the today's video, we are going to read about genus. Okay? हमने बेसिकली क्या किया था, descending order में keep, pot, clean और family gets sick, ऐसे किया था, ठीक है? हमने याद इसको इस तरीके से किया था, लेकिन डिफाइन करना कैसे शुरू किया, स्पीशीज से। स्पीशीज वॉज डन यस्टरडे, तो आज हम पढ़ेंगे जीनस के बारे में। जीनस में क्या होता है, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे वो इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनाते थे। उसके चार एक्सेप्शंस थी, म्यूल एंड हिनी एंड टाइगोन एंड लाइगर। जीनस जो होता है, जीनस के कैटेगरीज में बेसिकली स्पीशीज से ज्यादा डाइवर्स होता है एंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कम शेयर होते हैं। इन कंपैरिजन टू स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है, टैक्सॉन साइज भी इंक्रीज हो जाता है, बट नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, टाइगर एंड लायन, दे बिलोंग टू द सेम जीनस दैट इज पैंथेरा, but they are not exactly similar because their species is different. Their genus is same but the species is different. इस वजह से उन दोनों में क्या आ जाता है, number of characteristics in comparison to species कम हो जाते हैं and diversity, number of जो different characteristics हैं थोड़े से बढ़ जाते हैं, okay? but फिर भी कंपैरेटिवली दे आर शेयरिंग द कैरेक्टर्स, इसीलिए उनको सेम जीनस में रखा जाता है, ओके? इसकी एग्जांपल हम पिक्चर के थ्रू रीड करते हैं। अब ये देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट भी है। लायन और लायन से, लायन और लायन टाइगर का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, बट फिर भी नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कंपैरेटिवली क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। लाइक वी कैन टॉक अबाउट द ईटिंग हैबिट्स, वी कैन टॉक अबाउट द रोरिंग हैबिट्स, वी कैन टॉक अबाउट द प्रीडेटिंग हैबिट्स, वी कैन टॉक अबाउट द लुक। लुक में क्या है, इनका डिफरेंस आ जाता है।
we can talk about other things also. Similarities bhi hai, differences bhi hai. Theek hai? This is a proof that these both organisms, that is Leo and Tigris, belong to the same genus, that means Panthera. Okay? अब जैसे व्हाइट लायन की बात करते हैं एंड नॉर्मल लायन की बात करते हैं, तो व्हाइट लायन एंड नॉर्मल लायन भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, बट फिर भी डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, सो दिस इज द कैटेगरी कि स्पीशीज स्पीशीज में सारे कैरेक्टर्स, सारे ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, जीन पूल भी शेयर होता है उनका, उनमें रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी होती है, इंटरब्रीड करने की फ्रीडम होती है. इन दैट कंपैरिजन जीनस जो होते हैं दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड. नेचुरली जो हॉर्स एंड डोंकी है, इफ दे इंटरब्रीड दे फॉर्म अ स्टेराइल स्पीशीज. इन कंपैरिजन एक एक्सेप्शन पड़ी थी बिकॉज वो ह्यूमन असिस्टेंस के अंडर होता है या कैप्टिविटी में होता है या नेचुरली नहीं होता है, तो जो टाइगर और लायन के जो हमने पढ़े थे ऑफस्प्रिंग, दे वर फर्टाइल. अदरवाइज दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर स्टेराइल. ओके, जीनस हो गया. जीनस और स्पीशीज में डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है, टेक्सॉन साइज भी इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू द स्पीशीज. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टैक्सॉन की तरफ, दैट इज फैमिली. लेट अस रीड अबाउट व्हाट इज फैमिली. सिमिलर जेनेरा. जेनेरा मींस जीनसेस. ठीक है, जीनसेस का जो प्लूरल है दैट इज जेनेरा. द सिमिलर जेनेरा आर केप्ट इन वन फैमिली. फैमिली शेयर्स लेस कैरेक्टर्स देन जीनस. ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम द असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर से हम जब नीचे की तरफ जाते हैं तो डाइवर्सिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. असेंडिंग ऑर्डर से ऊपर की तरफ जब जाते हैं डाइवर्सिटी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजेस एंड टैक्सॉन साइज इंक्रीजेस. जैसे कि देखो पैंथेरा के अंडर जो भी स्पीशीज हैं दे आर वेरी लेस कंपैरेटिवली. जो फेलिडी फैमिली है, फेलिडी फैमिली में इन कंपैरिजन टू द जीनस, जितने एक जीनस के अंडर स्पीशीज थे, ठीक है, फेलिडी में कंपैरेटिवली मोर जीनसेस इंक्लूडेड हैं. मींस टैक्सॉन साइज क्या करा है, इंक्रीज करा है. वो कैसे, देखो सारे जीनसेस ऑफ टाइगर्स आ गए, टाइगर भी आ गया, लायन भी आ गया, चीता भी आ गया इसमें, एंड कैट्स के भी जीनसेस सारे इंक्लूडेड हैं. फर्दर देयर आर आल्सो मोर फैमिलीज. बचपन में आपने सुना होगा कैट्स एंड टाइगर्स आर रिलेटेड. बिल्ली मौसी एंड लायन दादा. इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि जीनसेस ऑफ कैट्स एंड जीनसेस ऑफ टाइगर्स मींस जेनेरा ऑफ टाइगर्स एंड कैट्स आर बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली दैट इज फेलिडी. ठीक है, नाउ इसको भी अब हम डायग्रामेटिकली समझते हैं. नाउ एज यू कैन सी there are a lot many kinds of cats. Basically
ये सारी जो है दीज आर द वाइल्ड कैट्स हम बोल देते हैं इनको, बिकॉज सी एज यू कैन से दिस इज द लायन, दिस इज जगुआर, जियोपार्ड, टाइगर, प्यूमा, देन लेपर्ड, ओके लाइक दिस, दीज ऑल आर द वाइल्ड कैट्स. दीज आर मोर लायन एंड टाइगर लाइक फीचर्स. यहां तक जितने भी सारी कैट्स है, दे आर हैविंग मोर लायन एंड कैट्स लाइक लायन एंड टाइगर्स लाइक फीचर्स. ये वाले जो है, दीज फाइव आर हैविंग मोर कैट लाइक फीचर्स, है ना? आर यू एबल टू सी? इसको कहते हैं फैमिली. कीप पॉट क्लीन और फैमिली, लेस कॉमन कैरेक्टर्स बिटवीन देम, मोर डाइवर्स. जीनस, मोर कॉमन कैरेक्टर्स इन कंपैरिजन टू द फैमिली बट लेस डाइवर्स इन कंपैरिजन टू फैमिली. ठीक है, देन आते हैं स्पीशीज. स्पीशीज में सभी के आपस में क्या होते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. नाउ अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर के बारे में. बट उससे पहले एक और इमेज देख लेते हैं कि जो फैमिली फेलिडी है, बेसिकली इसमें सारी डोमेस्टिक कैट्स भी आ रही हैं और वाइल्ड कैट्स भी आ रही हैं. सी दिस कैट इज द डोमेस्टिक कैट जो हमारे घरों में आम हमें देखने को मिलती है. दिस कैट इज अ वाइल्ड कैट. दिस कैट इज ऑल्सो अ वाइल्ड कैट, प्यूमा. ये तो है ही, लायन, चीता एंड टाइगर. ठीक है, ये ऊपर वाले तीन है, इनका सेम जीनस है, डिफरेंट स्पीशीज. नीचे वाले तीन है, सेम जीनस, डिफरेंट स्पीशीज. और ये छहों के छहों सेम फैमिली में बिलोंग कर रहे हैं. सो दे आर हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन देम. नाउ लेट अस रीड अबाउट ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम. ऑर्डर is more diverse, class is further more diverse and phylum usse bhi zyada diverse hai. Okay, order mein kaun kaun si classes aa rahi hain? The cat family and the dog family are included in the same order. Cat family kaun si thi? Lions wali family, cats wali family jisme wild cats and domestic cats include ho rahi thi. The name of that family is Felidae. Canidae. Canidae kaun si hai? This is the dog family. This is the name of the dog family. Okay? They are placed in the same order known as carnivora. Ye aapne 10th class mein padha hi hua hai. Herbivores, carnivores and omnivores. Carnivores basically meat eating animals hote hain. जो रॉ मीट खाते हैं, जो फ्लैश खाते हैं. वाइल्ड कैट है चाहे डोमेस्टिक कैट है, दोनों क्या खा रहे हैं? रॉ मीट, फ्लैश खा रहे हैं. टाइगर है, वो तो किसी को भी मार के खा सकता है. ठीक है, कैट्स किसको खाती हैं? डोमेस्टिक कैट्स चूहे को. सेम डॉग्स हैं, डोमेस्टिक डॉग्स हैं, वो भी मीट खाना प्रेफर करते हैं. वाइल्ड डॉग्स तो मीट खाते ही खाते हैं. नाउ टू द नेक्स्ट पॉइंट. ऑर्डर कार्निवोरा हो गया. आई होप इसके एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी. Now,
the similar orders are placed in the same class. Do orders hain. Carnivora and primates. Primates hota hai monkey, gorilla, homo sapien wala order. In carnivora includes the meat or the flesh eating animals. Theek hai? They are placed under the same class known as mammalia. अब मैमिलिया क्लास क्या होती है? मैमिलिया क्लास इज दैट क्लास जिसके आउटर बॉडी हेयर्स होते हैं, बॉडी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड आउटर पिना प्रेजेंट होता है. ओके, देन एक और चीज है, दैट इज द मेमोरी ग्लैंड्स. देन एक और चीज है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ, कि वो अपने बच्चे को जन्म देते, प्रेजेंस ऑफ यूटेरस बेसिकली. इनमें जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है दैट इज इंटरनल. ओके, यस. नाउ मैमल से किसकी बात याद आ रही? Every animal that we see around us, that is a mammal. आसमान में देखोगे तो birds दिखेंगी, जमीन पे देखोगे तो insects दिखेंगे. आस पास जहां भी देख रहे हो, cow है, buffalo, then rabbit, mouse, cats, dogs, elephant, monkeys, all are mammals. ये सब mammals होते हैं. ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं खुद. इनके mammary glands होते हैं. इनके mammary glands होते हैं. इनका outer ear present होता है. कान, कान जो आपको दिख रहा है ना बाहर वाली side पे, this is the pinna. ये outer ear होता है, इसका name होता है pinna. Pinna हर mammal में present होगा. Dog है, डॉग्स के भी कान होते हैं, कैट्स के भी कान होते हैं, ठीक है, काउस के भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स एंड मंकीज के भी होते हैं, ठीक है. लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स, कान देखा है कभी इनका? चूहे के भी कान होते हैं, देखे है ना वो तो. टॉम एंड जेरी में जेरी के कान होते हैं, जेरी को सुनता है, ठीक है. बट कभी आपने देखा है स्नेक्स के कानों? स्नेक्स के कान देखे हैं, लिजर्ड के कान देखे हैं? कभी भी उसके सर के पास जाके देखना, देयर इज अ स्मॉल होल प्रेजेंट. दिस इज नोन एज द इंटरनल ईयर और द टिम्पैनम. आउटर ईयर कोई प्रेजेंट नहीं होता है. आउटर ईयर क्यों प्रेजेंट होता है? हम में भी अगर प्रेजेंट है तो क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि आउटर ईयर वेव्स, साउंड वेव्स को कलेक्ट करके हमें सुनने में हेल्प करता है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो लोअर एनिमल्स है ना, लिजर्ड, फ्रॉग्स, स्नेक्स की जैसे या फिशेस के भी, ओके, ये क्या करते हैं? साउंड वेव्स, वाइब्रेशंस को फील कर लेते हैं. ओके, लाइक कॉकरोच आल्सो. तो जैसे ह्यूमन है, मंकी एंड गोरिल्ला है, इनमें तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है ही है. डॉग्स और कैट्स में भी है, बट ह्यूमन और कैट्स में कोई कैरेक्टरिस्टिक कॉमन नहीं है. है भी तो सिर्फ हेयरी, हेयरी बॉडी का, कान का, मेमोरी ग्लैंड्स का. और काउज और डॉग्स एंड कैट्स का तो कुछ भी नहीं है. काउज और हर्बीवोर्स, ठीक है, उनके लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, उनके जीने का तरीका बिल्कुल, उनके टीथ का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है. इनफैक्ट द डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इन देम इज वेरी डिफरेंट. ये आपने पढ़ाई हुआ है लोअर क्लासेस में, ओके. बट फिर भी ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है? मैमिलिया क्लास में प्रेजेंट है. मींस क्लास में क्या है? फर्दर डाइवर्सिटी इंक्रीज हो गई, टेक्सॉन साइज इंक्रीज हो गया. देखो ऑर्डर्स में क्या था? कार्निवोरा, कार्निवोरा में ओनली द मीट ईटिंग एनिमल्स थे,
लेकिन क्लास में क्या आ गए, सारे हियरी बॉडी वाले एनिमल्स आ गए। आगे हम इसको डायग्रामेटिकली भी समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फाइलम। फाइलम में तो सब कुछ आ गया। देखो अब हमारा फाइलम है ह्यूमन बींग्स का, बोल रही हूँ ह्यूमन बींग्स का, मतलब एलिफेंट्स का भी है, मतलब काउस का भी है, मतलब रैट्स का भी है, मतलब डॉग्स का भी है, मतलब कैट्स का भी है, ठीक है। इन सब का फाइलम जो है, दिस इज द कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में सिर्फ एक चीज है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की, हम जब बच्चे होते हैं ना एम्ब्रियोनल स्टेज में, तो एम्ब्रियोनल स्टेज में हमारी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टर कॉर्डेटा। अब डाइवर्सिटी देखो कितनी ज्यादा इंक्रीज होगी। मैमिलिया में तो हमारे सारे एनिमल्स आ रहे थे, कॉर्डेटा में तो फ्रॉग्स भी आ रहे हैं, लिजर्ड्स भी आ रहे हैं। हमें पता है फ्रॉग्स क्या है, दे आर एम्फीबियंस, लिजर्ड क्या है, दे आर रेप्टाइल्स, फिशेज भी आ रही हैं। फिशेज तो बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं, बट फिशेज भी आ रही हैं। ये हमें एनिमल किंगडम में सारा क्लियर हो जाएगा, हम एनिमल किंगडम में फाइलम्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो नाउ हम इसको डायग्रामेटिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसा होता है। देखो मैमल्स हैं, मैमल्स में ये सारे आ रहे हैं, चीता हो गया, ब्लैक बियर, ग्रिजली बियर, फिशर, जैंट पांडा, रिवर ऑटर। मैमल्स में इनफैक्ट वेल भी होती है, वेल, रेकून, हाइना, रेड पांडा, ग्रे फॉक्स, टिम्बर वॉल्फ, एवरीथिंग एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द मैमल्स। मैमल्स के ऑर्डर कार्निवोरा में, कार्निवोरा की बात कर रही हूँ, कार्निवोरा इज बेसिकली मीट ईटिंग, है तो ये सारे मैमल्स बट है क्या, कार्निवोर्स, मीट ईटिंग। पांडा से भी डर लगता है, देखा है कभी पांडा से छुप छुप के रहते हैं लोग, बिकॉज पांडा भी क्या करता है, पांडा भी मीट खाता है, रॉ मीट खाता है बेसिकली। नेक्स्ट व्हाट इज दिस, दिस इज मैमिलिया, दिस इज द क्लास मैमिलिया। इसमें एलिफेंट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, डियर, पांडा, माउस, जीब्रा एंड एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इंक्लूडेड इन दिस क्लास। ये देखो ह्यूमन बींग, ये क्या है, हमारे एंसेस्टर्स हैं, ये बेसिकली जो फॉरेस्ट में रहते होते हैं, दे आर दोज एनिमल्स, दे आर द एग्जांपल ऑफ मैमिलिया। अब देखो कंपैरिजन करके देखो ऑर्डर में एंड इसमें द डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है ना। नाउ कॉर्डेटा इज अवर फाइलम, हमारा जो फाइलम है दैट इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में कौन कौन सी क्लास आ रही है, कॉर्डेटा में आ रही है मैमल्स की क्लास, सी मैमिलिया, रेप्टिलिया, एव्स, एम्फीबियंस एंड एनाथा, ऑस्टिथाइज एंड कॉन्ड्रिथाइज, बोनी फिशेज, कार्टिलेजिनस फिशेज एंड हैग फिशेज। ये तीनों फिश की क्लासेस होती हैं, फर्दर जबकि सब क्लासेस होती हैं, बेसिकली फिश के टाइप्स होते हैं ये फिशेज, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स और आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का क्या मतलब होता है, कॉर्डेटा का मतलब होता है द एनिमल्स विच आर हैविंग वर्टिब्रल कॉलम और इन द एम्ब्रियोनल स्टेज दे आर हैविंग नोटोकॉर्ड। हो सकता है एम्ब्रियोनल स्टेज से निकलने के बाद नोटोकॉर्ड गायब हो जाए, वर्टिब्रल कॉलम में भी ना चेंज हो, फिर भी हमने कंडीशन ही रखी कि इन चीजों को फाइलम कॉर्डेटा में ही इंक्लूड करना है। इन एनिमल्स को, द एनिमल्स विच आर हैविंग नॉट अ कॉर्ड इन द एम्ब्रियोनल स्टेज आर इंक्लूडेड एज कॉर्डेट्स एंड नेक्स्ट इज नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में फर्दर बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, ये हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं इन द एनिमल किंगडम ओनली।
एनिमल किंगडम में ही ये सारी चीजें हमें क्लियर होने वाली है। अब ये चीज आपको समझ आई, हम दोबारा से एक बार इसकी रिविजन लेंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज द किंगडम। ऑल द सिमिलर फाइला आर प्लेस्ड इन वन किंगडम। फाइलम कॉर्डेट्स हैं चाहे नॉन कॉर्डेट्स हैं। देखो एक चीज है, स्पीशीज बहुत सारे थे, इन कंपैरिजन टू स्पीशीज जीनस कम थे, बट जीनस का साइज बड़ा है, ठीक है। उससे ऊपर चलते हैं ऑर्डर, उससे ऊपर चलते हैं फैमिली, सॉरी फैमिली आएगी। फैमिली कंपैरेटिवली नंबर कम है जीनस से कंपैरेटिवली, एंड साइज क्या है इंक्रीज हो गया। ऑर्डर का क्या है, फर्दर साइज ज्यादा है बट नंबर में वो कम है। उससे ऊपर आ गई हमारी क्लास, क्लास का उससे भी ज्यादा, ऑर्डर से भी ज्यादा नंबर कम है बट साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ड्यू टू डाइवर्सिटी। आगे जाके किंगडम्स हमारे सिर्फ पांच ही रह जाते हैं। किंगडम की हम सारी स्टोरी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, कि किंगडम का क्या सीन था। पांच ही किंगडम है पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ की डाइवर्सिटी को, लिविंग बींग्स को हमने पांच किंगडम ने डिवाइड कर दिया। पांच किंगडम, वो किंगडम होंगे कितने बड़े, उनमें डाइवर्सिटी कितनी होगी, ये सोच के देखो। सोच रहे हो ना, इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? इंटरेस्टिंग है ना। वैसे ही कि जैसे जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नीचे जा रहे हैं, नंबर इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डाइवर्सिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखो, ऑल द प्लांट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटे एंड All the animals are placed in the kingdom Animalia. Kingdom is the most diverse. As the taxon size keeps on increasing, the number of taxon at each level keeps on decreasing. ठीक है, taxon size increase हो रहा है। जैसे species the size small था, बहुत सारे species थे, ठीक है। कंपैरेटिवली जीनस का साइज बड़ा है, जीनस इन कंपैरिजन टू स्पीशीज क्या हो गए, कम हो गए। देन फैमिली का साइज बड़ा है, फैमिली इन कंपैरिजन टू जीनस नंबर है जो उनका कम रह गया, ठीक है। इन दिस वे हमारी डाइवर्सिटी चल रही है। किंगडम क्या है, सिर्फ पांच ही रह जाते, लेकिन वो पांच किंगडम है पूरी दुनिया इंक्लूडेड है, पूरी अर्थ के लिविंग बींग्स इंक्लूडेड है, ठीक है। ये किंगडम के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, नाउ सी स्पीशीज। स्पीशीज हमने अर्सस से शुरू किया इस पिक्चर में। लेट मी एनोटेट, एनोटेट करते हैं। ओके, अर्सस, आर्क्टस। जीनस अर्सस में क्या है, फर्दर टू, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल इनमें दो शो कर दी कि एक जीनस के बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं, एक फैमिली में बहुत सारे जीनस हो सकते हैं, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज हो सकती हैं, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, एक फाइलम में बहुत बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, एंड एक किंगडम में सारे फाइलम्स इंक्लूडेड होते हैं, सारे फाइलम्स। किंगडम का नंबर बहुत ज्यादा कम होता है कंपैरेटिवली, डाइवर्सिटी होती है सबसे ज्यादा। फाइलम का नंबर होता है किंगडम से थोड़ा सा ज्यादा और डाइवर्सिटी होती है थोड़ी सी कम किंगडम से। देन आती है क्लास, क्लास मैमेलिया में ही देख लो, ठीक है, कितनी ज्यादा डाइवर्स है। फाइलम तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, फाइलम में तो ऑल टाइप्स ऑफ फिशेस आ गई हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बर्ड्स आ गई हैं, बर्ड्स की ही कितनी ज्यादा स्पीशीज हैं, बर्ड्स में ही कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। देन ऑल टाइप्स ऑफ स्नेक्स आ गए, ऑल टाइप्स ऑफ लिजर्ड्स आ गई हैं, कैमिलियन भी इसी में इंक्लूडेड होता है, मतलब रेप्टाइल्स आ गए सारे इसमें, एम्फीबियंस आ गए, फ्रॉग्स, टोड्स, टॉर्टोइजेस, टॉर्टोइजेस आर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से एग्जाम्पल बता रही हूँ, एम्फीबियंस में भी बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं।
ऐसी ऐसी स्पीशीज, ऐसे ऐसे एनिमल जो हमने पढ़े भी नहीं है कभी, जो मैंने भी नहीं पढ़े हैं, आपने तो बहुत ही कम पढ़े होंगे. एम्फीबियंस आर वेरी डाइवर्स. ओके फर्दर. कार्निवोर्स. टीचर ने होमवर्क दिया बच्चों 50 कार्निवोर्स के एग्जांपल लिखो. बड़े आराम से बच्चे लिख लाते थे. कार्निवोरा किंगडम में कितना ऑर्डर ही कितना ज्यादा डाइवर्स है. नंबर भी उसमें बहुत सारे नंबर की फैमिलीज इंक्लूडेड है कार्निवोरा में, बट स्टिल किंगडम तो कितना ही ज्यादा डाइवर्स है. आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द लिविंग वर्ल्ड. ये जो हमारा चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, इसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइफ के बारे में इन डिटेल पढ़ रहे हैं. इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. इस चीज का कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. लाइफ जिस दुनिया में रहती है उस दुनिया को किस कैटेगरी में डिवाइड किया है. अब हमारा ये चैप्टर जो है ये एंड की तरफ पहुंच रहा है. जैसे जैसे बायोलॉजी शुरू होगी, बायोलॉजी जैसे जैसे हमारी आगे बढ़ती जाएगी, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ से और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी. बस आप इतना देखते रहो कि आप जो भी कर रहे हो ना वो अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, अच्छे से मेरे स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहे हो. जो चीजें मैं बोलती हूँ ध्यान में रखने के लिए वो चीजें आप अच्छे से ध्यान में रख रहे हो. ठीक है, तो देखना बायोलॉजी आपको इतनी ज्यादा इजी लगेगी. नथिंग विल बी डिफिकल्ट इन दैट. अब हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो गई है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, अच्छे से आपको सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा. फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम ऑर्डर्स हैं जो जैसे जैसे मतलब डाउन द डिक्रीजिंग ऑर्डर जाते हैं, उसके सारे सीक्वेंसेस समझ आ गए होंगे. रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी, रिगार्डिंग द टैक्सॉन साइज, रिगार्डिंग द टैक्सॉन नंबर, ये सारी चीजें समझ आ गई हैं. आगे हम थोड़ा सा और चैप्टर का जो रह गए पार्ट्स वो कंप्लीट कर लेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.